की याद आएगी। सब कुछ ठीक है, बस ये हसरतों के कारनामे हैं। दिल ये जीत है, आंखें बंद हैं और आग में चले ये तू। सो हेलो व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग नहीं कह सकते, इसे हम मेमोरी कहेंगे, क्योंकि ये मोमेंट हमारे लिए जो कैप्चर हो रहा है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है गाइस। एंड आज हमारा फेयरवेल। ये व्लॉग काफ़ी लेट में पड़ रहा है, मुझे पता है, मेरे एग्ज़ाम के बाद, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही अपलोड हो रहा है, क्योंकि इसके काफ़ी रीजंस हैं और मैं नहीं बता सकता। हो सकता हूँ पहले भी अपलोड हो जाए, मेरा मूड बना तो मैं जल्दी एडिट करके इसको अपलोड कर दूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही सोच रखा है कि एग्ज़ाम के बाद इसको अपलोड करूँगा। अभी फ़िलहाल से फटाफट से रेडी हो जाते हैं, मैं आपको अपना भी, मैं आपको पहन के दिखाऊंगा, पहन कह रहा हूँ आज फेयरवेल के दिन, तो मैं आपको पहन के दिखाऊंगा अपना पूरा आउटफिट। तो कमेंट करना कैसा है मेरा आउटफिट। एंड एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी एक्साइटेड हूँ गाइस। आज लास्ट डे है स्कूल का और सब खत्म हो जाएगा, आज फेयरवेल हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे 4-5 दिन में। तो काफ़ी डर भी लग रहा है, प्रिपरेशन तो चल रही है अपने लेवल पर। लेट्स सी गाइस, दिखाता हूँ आपको। इसी कटोरी के नीचे है धमाका, धमाका क्यों है आप देख सकते हो। ये है मेथी का पानी, आप भी यूज़ कर सकते हो मेथी का पानी, मैं नेचुरली यूज़ कर रहा हूँ। ये कंडीशनर ऐसे, ये इसे आप नेचुरल कंडीशनर भी बोल सकते हो। आप इसको रात में भिगो के 10-12 घंटे भिगो दो, उसके बाद अपने बाल में लगाओ तो ये आपके बाल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है गाइस। क्योंकि मैं अभी स्टार्ट मैं भी किया हूँ, मुझे अभी इसके कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखे, बट किसी ने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने सोचा आप भी सजेस्ट कर दूं, क्योंकि इस समय हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं गाइस। तो फटाफट से मैं रेडी होता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं उठा हूँ, एकदम जल्दी सुबह उठ भी गया हूँ, क्योंकि इतनी एक्साइटेड बढ़ गई थी, सो भी नहीं पा रहा था, काफ़ी लेट सोया भी, लेकिन उठ भी गया जल्दी। अभी फटाफट से तैयार होते हैं, निकलते हैं। और काफ़ी आज नया नया चीज़ें होने वाली है। हमें रिसीव करने वाला है दिलजीत भाई अपनी गाड़ी से, उसके साथ हम जाएंगे स्कूल। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें, आज आपको काफ़ी मजा आएगा। तो इस ब्लॉग को प्लीज़ एंड पे एंड तक जरूर देखना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। इतनी बार कहता हूँ लेकिन नहीं आता है कुछ रिस्पॉन्स, लेकिन कोई बात नहीं, लगे रहो बस मैं इतना सोचता हूँ, लगे रहो। किसी तरह किसी ना किसी दिन कोई ना कोई ब्लॉग तो पक्का ही वायरल हो जाएगा। बट फटाफट से निकलते हैं गाइस, पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मूवी। सो गाइस मीट यू नेक्स्ट मूवी इन द ब्लॉग। A few moments later. Alright guys, मैं निकल चुका हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स अभी, मैं जाऊँगा अपना बाल सब मुझे करवाना, उसके बाद मैं निकलूँगा कहीं। एंड अभी तो फिलहाल का प्लान यही है गाइस। एंड काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है और जो भी प्रिपरेशन हमने पहले करना था वो प्रिपरेशन फाइनली हो चुकी है। एंड इसके बाद हम लोग निकलेंगे, तो आउटफिट मैं आपको दिखाऊँगा स्कूल में ही। अभी तो फिलहाल निकल चुका हूँ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोमेंट। सो गाइस मीट यू एट नेक्स्ट मोमेंट इन द व्लॉग। सो गाइस अपने दोस्त के घर आ चुके हैं, बट वो अभी है नहीं, वो आ रहा है, उनको घर के अंदर बैठा हुआ है, आ रहा है, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। फटाफट से आता, उसके बाद अपना बाल सेट करवाते, बाल एकदम बेकार हो चुके हैं गाइस, आज मैंने शैम्पू भी किया है बाल में, तो फटाफट से वो आए, उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस फाइनली दोनों भाई रेडी हो चुके हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा आउटफिट अभी मैं आपको पूरा फुल्ली दिखाऊँगा फोटो में। और ये रहा सानिध भाई, सानिध भाई एकदम बवाल लग रहा है कसम से, एकदम झक्कास भाई, लिटरली भाई बहुत मस्त लग रहे हो कसम से। ये है सानिध भाई का आउटफिट, आप देख सकते हो। इसका भी आउटफिट मैं दिखाऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताना कि किसका आउटफिट सबसे बेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हम लोग वेट कर रहे हैं दिलजीत भाई का, इसी रूट से दिलजीत भाई अभी यहाँ पे हम लोग को रिसीव करेगा और हम लोग उसका वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से। तो भाई दिलजीत भाई जल्दी आओ यार, कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे, हम लोग का 11 बजे का टाइमिंग है, प्रोग्राम 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग काफ़ी एक्साइटमेंट हो रखी है गाइस, काफ़ी आज मज़े करने वाले हम लोग और हम दोनों भाई, खासकर
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोमेंट। सो गाइस मीट यू एट नेक्स्ट मोमेंट इन द फाइनली आदि के घर तक पहुंच चुके हैं हम लोग और उसको पिकअप करना है। और भाई गाना थोड़ा स्लो करो। और आदि भाई ये रहा लौंडे। भाई ये यार। और भाई भोकाल, भाई भोकाल आदि भाई आ चुका है। और आदि भाई कैसे हो? मस्त लग रहे हो भाई, तुम कुल में कैसा लग रहा हूँ? थैंक यू भाई। गाइस हरिंद भाई आ चुका है। और हरिंद भाई कैसे हो? क्या बजा दिए हो वे? यहाँ से हमारी होगी एंट्री और उसके बाद हम लोग जाएंगे। और ये रहा सात्विक भाई, कैसे हो भाई? भाई मैं तो ठीक ही हूँ। तो यहाँ से हम लोग की एंट्री होगी, तो अभी एंट्री वाला क्लिप भी आपको दिखाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोमेंट से, मीट योर नेक्स्ट मोमेंट इन द ब्लॉग। ये है फर्स्ट प्रोग्राम बॉयज का, 11th के बॉयज जूनियर्स तो ये करने वाले हैं। और फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग एंजॉय करिए। और ये है अभय भाई कैसे हो भाई? एकदम कूल लग रहे हो भाई। और ये कुणाल भाई, सब लोग तो जानते हैं कुणाल भाई को। आपने बोर्ड वोर्ड तो देखा ही होगा बस्ती में लगे भाई। सो गाइस ये हम लोग कर रहे हैं अपना खाना। तो अभी सब सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है एंड मतलब सब पार्टी सब ओवर हो चुकी है। अब खाना खा रहे हैं हम लोग फेयरवेल का, तो ये एंड मोमेंट है एकदम गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। सो गाइस मीट यू एट नेक्स्ट मोमेंट। अभी बोलती नहीं है ये प्रिंसिपल सर की स्पीच। और काफी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाओगे मिस करेंगे भाई, लेकिन लिटरली स्कूल लाइफ में जो फ्रेंड्स होते हैं सर का वो जिंदगी भर याद रहते हैं। स्पीच आज आपकी ये लास्ट मेमोरी स्कूल में बनने जा रही है, इसलिए सभी बच्चे पहले अपना गिफ्ट लेंगे, इसके बाद एक मेमोरी के लिए एक फोटो होगी,
तो सभी बच्चे पहले फोटोग्राफी करा लेंगे, इसके बाद जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने इतना समय दिया है, 10 से 15 मिनट और लगेगा, सभी की फोटो होगी। सभी टीचर्स प्लीज बैठ जाए जल्दी से, मिलने वाला है आपको। क्लियर आवाज आ रही नहीं होगी, लेकिन मैं सबटाइटल 11th के जितने बच्चे अगर उन्होंने लंच कर लिया, वो सभी इनकी कोई कंप्लेंट नहीं आई। थैंक यू, ठीक है। इन बच्चों ने कहीं लड़ाई की हो, किसी से मिसबिहेव किया हो, किसी टीचर की बात ना मानी हो, ऐसा कोई बच्चा ऐसे नहीं इसमें। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने अपना एकेडमिक स्कूल बहुत अच्छा किया है। लास्ट भी बोलेंगे, बहुत उम्मीदें आप लोगों से हैं। आप लोग लगातार स्कूल के टच में रहिएगा, कहीं भी रहिएगा, कोई भी आपका रिजल्ट निकलता है, जैसे अभी जेई का रिजल्ट निकला, मेंस का, वैभव का, उसमें हो गया है, वैभव के लिए क्लैप करते सभी लोग, घर से निकले ही हैं, तो आप लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपसे यही कहना है कि आप बस अपने टास्क को पूरा करते रहिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। डेफिनेटली यू आर अचीव योर गोल एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अभी आप देख सकते हो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है, और अभी हम लोग भी मिले डायरेक्टर सर और आदित्य चौधरी, अभिषेक पांडे, पुष्पांजलि पुष्पांजलि अंकिता वर्मा, सुमित चौधरी। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर मिस्टर फेवेल। वी हैड लाइक क्वाइट अ डिफिकल्टी टू चूज मिस्टर फेवेल, बट वी अनाउंस दैट एनीवेज। सो मिस्टर फेवेल इज सुमित भाई। हेलो हेलो, मिस्टर खत्ताब, कहीं ना क्या बनाओगे मिस्टर खत्ताब, चलो घर चलो। तो गाइस फाइनली हम लोग का फेयरवेल हो चुका है, और हम लोग निकल रहे हैं अपने घर पे, और हम लोग स्कूल से निकल चुके हैं। भाई ड्राइव कर रहा है, काफी मस्त ड्राइव करता है भाई, और हम लोग प्लान कर रहे हैं भाई थोड़ा, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मतलब हम लोग अयोध्या जाएंगे और भी जगह जाएंगे ट्रिप के लिए, और वहाँ पे दिलजीत ड्राइव करेगा हर हमारी सारी ट्रिप पे, दिलजीत भाई ड्राइव करेगा, ये एकदम फिक्स हो चुका है। और जानी भाई पीछे बैठा हुआ, एकदम मजा आ गया। मजा आया कि नहीं भाई? मजा आया ना, बहुत मजा आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी, सो गाइस मीट यू एट नेक्स्ट मूवी। ओके भाई, अरिंद भाई, बाय। अरिंद भाई यहीं पे उतर रहा है। मैं फाइनली अपने मतलब पहुंच गया हूँ अपने घर पे, और ये दिलजीत भाई काफी थक गया है। हम लोग का पार्टी का प्लान था, लेकिन पार्टी कहीं हो नहीं पा रहा है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया अपने घर। तो गाइस कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस, पहले बताओ? बहुत अच्छा, नॉर्मल नॉर्मल रहा, नॉर्मल रहा। मतलब आपने सारा चीज तो देखा ही गाइस, बाकी मजा आया, बस इतना कह सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं, 19 से हम लोग का बोर्ड का एग्जाम है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। ओके बाय गाइस, अल्लाह खाली मेरा वो बैग वगैरह दे दो। अरे सर बोल नहीं पाते हो, तसला नहीं है भाई मेरी गाड़ी। ओके बाय बाय।
सो फाइनली गाइज मैं घर पहुंच चुका हूं और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, और ये मोमेंट जो है ना आप मतलब सबके साथ होता है और काफ़ी अजीब सा मोमेंट है, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। आपने सारे मोमेंट देखे कि कुछ क्लिप्स मैंने डाले कुछ क्लिप्स नहीं डाले, और काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मजा आया। मैंने डांस भी किया, आपने देखा तो कैसा था मेरा डांस, प्लीज़ कमेंट करके। मीन्स उनका एक डेयर था कि आपको साड़ी पहन के डांस करना है, तो केवल मैं था पूरे ग्रुप में जो मैंने कंप्लीट किया वो डेयर, और मुझे प्राउड हो रहा है कि मैंने वो डेयर मतलब कंप्लीट भी किया एंड तक, और सबने एकदम वोटिंग की, सबने एकदम देखा, आपने एकदम मजा आ गया गाइस। आपने वो क्लिप देखा ही होगा, काफ़ी इन्जॉयबल था वो और काफ़ी एंटरटेनमेंट। ये जो गिफ्ट हमें मिला है वो हम फटाफट ओपन करते हैं, देखते हैं हमारे 11th यानी कि हमारे फेवरेट जूनियर्स ने क्या दिया है, तो चेक करते हैं। और आपके भाई को टैग ये मिला, आप देख सकते हो द कॉमेडियन का, जो कि मैं हूँ आपको पता ही होगा, तो उसका टैग मुझे मिला है, पूरे ग्रुप का कॉमेडियन हूँ मैं, तो उसके लिए भी प्राउड फील हो रहा है। काफ़ी मजा आएगा इस मोमेंट को, मैं इस वजह से कैप्चर कर रहा हूँ कि ताकि यादें बनी रहें, मोमेंट्स बने रहें, मेमोरीज बनी रहें। तो फटाफट से गिफ्ट को देख ओपन करते हैं कि क्या दिया हमारे प्यारे जूनियर्स ने। सो गाइज इट्स टाइम फॉर गिफ्ट अनरैपिंग, अनरैप करते हैं इसको। वैसे मेरा गेस ये है कि इसमें कप हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो 6 सेट वाली कप आते हैं वो हो सकते हैं, आप भी कर ही लियोगे मुझे लग रहा है वही है, देखते हैं। वही है वही है वही है वही है। ओ गाइस थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है, तो इसको ओपन करके देखते हैं। ये अपना गिफ्ट देखते हैं। सो गाइस फाइनली ये रहा अपना गिफ्ट, और आप देख सकते हो एंड ये नीचे मेरा एडमिट कार्ड भी मिल गया है। तो ये प्लेट है और 4 कप दिए रखे हैं, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू जूनियर्स, मुझे गिफ्ट काफ़ी पसंद है और मेरे मम्मी को ये बहुत पसंद आने वाला है, मेरी मम्मी देख के उसको खूब खुश होने वाली है, तो थैंक यू फॉर दैट गाइस, लिटरली लव यू ऑल एंड मिस यू ऑल। एंड मतलब सब बीत रहा है एकदम जल्दी जल्दी ना, एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, नेक्स्ट मोमेंट फिर इन्जॉय करेंगे, बाकी और भी चीज़ें भी लाइफ में बाकी, बट मेमोरीज़ आर मेमोरीज़, मेमोरीज़ के लिए ही लोग जीते हैं एंड मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए कि हमने ये किया था हमने ये किया था, लेकिन अब एंड होने वाला है। तो मतलब 2 साल बीत गए मेरे इस स्कूल में, आपने काफ़ी ब्लॉग्स देखे, इतने सब ब्लॉग्स मैंने डाले हैं, मेरे फ्रेंड्स आज जिनके साथ मैं गया था, तो एक अकेलापन अब लगेगा थोड़ा सा, सब लाइफ थोड़ी चेंज भी होने वाली है, कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत सी चीज़ें। और हाँ गाइज अब मैं ये व्लॉग मैं बहुत एंड में बहुत लेट में डाल रहा हूँ मुझे पता है, बट मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बट क्या करें एग्ज़ाम्स के प्रेशर में मैं व्लॉग एडिट भी नहीं कर पाऊँगा। एंड हाँ थैंक यू फॉर द गिफ्ट, लिटरली मुझे बहुत पसंद है एंड बस अब पढ़ाई करने जा रहा हूँ बस, मतलब जब ये आप व्लॉग देखोगे तो मेरे सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म रहेंगे सारे, और मैं उस टाइम एकदम क्या ही रहेगा, हो सकता है मेरे बाल भी ना रहे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बाल छिलवा लूँ, सोच तो रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक साल में एक बार बाल छिलवाना चाहिए। और हाँ गाइस ये जो मेथी का पानी अभी मैं इसको लगाऊंगा, पहले मैं सुबह इसको लगा के जाने वाला था लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि इससे थोड़ा सा मैंने लगाया तो फिर उसके बाद थोड़ी सी गंदी वाली स्मेल आने लगी, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाया। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं क्या बताऊँ मैं एकदम थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि मतलब सब एंड भी हो गया, मतलब स्टार्ट भी हो गया एंड भी हो गया सब चीज़ हो गया, फेयरवेल, अब एग्ज़ाम भी ऐसे किस फ्लो में निकल जाएगा पता नहीं चलेगा गाइस, बट यादें तो यादें हैं। तो ऐसे ही इस ब्लॉग को आशा करता हूँ ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे, ये ब्लॉग प्लीज़ करो यार, प्लीज़ करो, काफ़ी एंटरटेनिंग ब्लॉग था ये और मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ब्लॉग था ये, एक बेस्ट ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, लव यू ऑल। एग्ज़ाम का भी एक ब्लॉग मैं बनाऊंगा, लास्ट एग्ज़ाम का, या तो देखेंगे कोई एग्ज़ाम का ही ब्लॉग मैं बनाऊंगा कि एग्ज़ाम में कहाँ देने जा रहा हूँ, कहाँ मेरा सेंटर गया सब चीज़, वो उस ब्लॉग में मैं आपको डिटेल दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ गाइस कि मैं ब्लॉग अब कंटिन्यू करूँ, ये ब्लॉग जब आप देख रहे हैं तो हो सकता है उसके बाद मैं काफ़ी चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा, 12th के बाद मैंने जैसा सोचा था हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, अभी देखो क्या होता है, अभी तो फिलहाल पढ़ूँ चल रहा हूँ पढ़ने। थैंक यू फॉर द गिफ्ट गाइस जूनियर्स, love you all and we see you.
बाय।